हाय गाइस, आप सभी का स्मार्ट स्टडी क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि मैं आपके लिए इंग्लिश की नई नई स्टोरीज लेके आता रहता हूँ और उसका हिंदी में अनुवाद करते हुए आपको कुछ ग्रामर की बातें और साथ साथ इंग्लिश के नए नए वर्ड्स आपको मैं सिखाता हूँ, ताकि आपकी इंग्लिश जो है एक अच्छे लेवल तक पहुँच सके और आप इंग्लिश को समझ सकें और आप इंग्लिश किसी को पढ़ा भी सकें, राइट। और इवन आप जो है इंग्लिश में इतना सक्षम हो जाए कि आप इंग्लिश को बोल सकें और अपना जो करियर है इम्प्रूव कर सकें। सो गाइज, लेट्स बिगिन टूडेज वीडियो। आज की वीडियो में हमने स्टोरी ली है आंट और डब की, एक कहानी है, छोटी सी कहानी है, उसको हम हिंदी में अनुवाद करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से नए वर्ड्स आते हैं, राइट, और कुछ ग्रामर की ऐसी क्या बातें हैं जो आप इंग्लिश को अच्छे लेवल तक पहुंचाएगी। सो गाइस, चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले टाइटल को समझते हैं। टाइटल है द आंट एंड द डव। ओके, आंट मीन्स चीटी एंड द डव, डव कबूतर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द क्यों लगा है आप ये समझिए पहले, जो ग्रामर का फैक्ट है। यहाँ पर द आंट द इसलिए आया क्योंकि हम यहाँ पर एक जाति की बोध करा रहे हैं, जो आंट की प्रजाति हैं, ठीक है, हम उन सब की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने द यूज किया है। द डब जो सारे डब प्रजाति के, ठीक है, ये जो स्पीसीज हैं हम इनको डिनोट कर रहे हैं, इसलिए हम द डव लगा रहे हैं। हम एक डव की नहीं, हम उनकी प्रजाति की बात कर रहे हैं, हम उन सबको जो है तो संकेत में ला रहे हैं कि हम उन सब की बात कर रहे हैं, ना कि स्पेशली हम किसी एक डव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर द का यूज हम कब करते हैं, जब हम किसी एक प्रजाति के जानवर को हम, या कोई भी मतलब कि स्पीसीज हो, कोई भी एनिमल हो, उसके हम पूरी जाति का बोध कराते हैं, राइट, इस तरह से द का यूज भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वन हॉट डे, वन हॉट डे, एक गर्म दिन, ठीक है, एक गर्म दिन की बात है, ठीक है, गर्मी के दिनों में जब बहुत तपन होती है, ठीक है, उस समय की बात हो रही है। एन आंट, एन आंट, एन यानी एक, एक आंट चीटी, यहाँ पर एन क्यों आया, ए क्यों नहीं आया, बिकॉज जो आंट का उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो ए से हो रहा है, ठीक है, ए, ए जो है हमारे हिंदी वर्णमाला का स्वर है, इसलिए उसके पहले एन आया, राइट। इस तरह से आप देखिए, जो लोग जानते होंगे उनका रिवीजन भी होता होगा और जो नए हैं वो ये इस बात को समझेंगे कि ए एन और द का यूज बेसिकली कैसे करते हैं, राइट। चलिए, वॉज सर्चिंग फॉर सम वाटर, सम वाटर, तो एक आंट सर्च कर रही थी, खोज कर रही थी, ठीक है, किसके लिए, फॉर यानी के लिए, वाटर के लिए, कुछ कुछ वाटर के लिए, सम याने कुछ, सर्च कर रही थी, आफ्टर रॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम, आफ्टर मीन्स बाद में, वॉकिंग यानी चलना, अराउंड यानी इधर उधर, ठीक है, तो इधर उधर चलने के बाद, फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, कुछ समय तक इधर उधर चलने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर याने तक होगा, ठीक है, एक्चुअली फॉर मीन्स क्या होता है, के लिए, लेकिन यहाँ पर तक होगा, क्यों, इस बात को समझें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समय की बात हो रही, जब भी समय की बात होती है तो हम फॉर का मतलब तक लगाते हैं, ठीक है, कुछ समय यानी कुछ, ओके, तो इसका मतलब हो गया कि कुछ समय तक इधर उधर चलने के बाद, सी केम टू अ स्प्रिंग, वह एक स्प्रिंग के पास आई, स्प्रिंग का मतलब यहाँ पर हो रहा है झरना, ठीक है, स्प्रिंग का मतलब देखिए तीन चार इसके मतलब होते हैं मेन, तो स्प्रिंग यानी एक स्प्रिंग जो यूज़ करते हैं, एक चीज़ वस्तु होती है, एक स्प्रिंग यानी बसंत का मौसम होता है, और इसका तीसरा मतलब होता है झरना, ठीक है, तो वह जो आंट है, ठीक है, सी, सी क्यों लगाया गया, क्योंकि वह एक फीमेल है, यदि मेल होता तो क्या लगाते, ही, तो वह आई एक झरने के पास, किस लिए आई, ठीक है, टू रीच द स्प्रिंग, टू रीच यानी होता है पहुंचना, तो टू रीच यानी पहुंचने के लिए, स्प्रिंग तक यानी झरने तक पहुंचने के लिए, सी हैड टू क्लाइंब, हैड टू क्लाइंब, यहाँ हैड टू के साथ जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है करना पड़ता था,
या कोई चीज़ हमें करनी पड़ती थी, ठीक है। तो सी हैड टू क्लाइम, उसे क्या करना पड़ता था, अप अ ब्लेड ऑफ अ ग्रास, क्लाइम अप यानी चढ़ना, ब्लेड यानी होता है जैसे ब्लेड यानी कह सकते हैं पत्ती, ठीक है। यहाँ पर ग्रास की जो पत्ती है, घास की जो पत्ती है, उस पर उसको क्लाइंब अप करना था, चढ़ना था, ठीक है, स्प्रिंग तक पहुँचने के लिए। वाइल मेकिंग हर वे, यहाँ पर वे यानी होगा रास्ता या मार्ग, वाइल यानी के समय, के दौरान, मेकिंग यानी बनाना, हर यानी अपना, तो वह अपना रास्ता बनाने के दौरान या बनाने के समय क्या हुआ, सी स्लिप्ड, वह क्या हो गई, स्लिप हो गई, ठीक है। स्लिप क्या है, स्लिप का सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डबल पी करके हम क्या लगा दिए, ईडी लगा दिए, तो बन गया थर्ड फॉर्म, ठीक है। एंड फेल क्या है, एक्चुअली ये फेल जो वर्ड है, ये आप देखेंगे कि इसका जो सेकंड फॉर्म है ये फेल होता है और थर्ड फॉर्म क्या होता है, फेल्ट होता है। तो मतलब कि यहाँ पर ये फॉल का सेकंड फॉर्म है, फॉल, फेल, ठीक है, और फेल्ट। तो ये क्या है, फॉल मींस गिरना होता है, राइट। तो वो स्लिप कर गई और गिर गई, कहाँ, इनटू द वाटर, पानी में गिर गई, राइट, वो पानी में गिर गई। अब देखिए क्या होता है, वो पानी से कैसे निकलेगी और उसे कौन निकालेगा, राइट। सी कुड हैव ड्रॉन्ड इफ अ डब अप अ नियर बाय ट्री हैड नॉट सीन हर। सी कुड हैव ड्रॉन्ड नहीं होता है डूबना, ठीक है, डूबना, तो वो डूब जाती, ठीक है। कुड हैव लग गया तो इसका मतलब हो जाएगा सकती थी, वह डूब सकती थी, इफ यानी यदि, एक डब यानी एक कबूतर वहाँ पर पास में, नियर बाय यानी पास में, ट्री हैड नॉट सीन हर, वहाँ एक पेड़ पर एक कबूतर था, यदि उसको ना देखा होता, ठीक है, हैड नॉट सीन, यदि वो ना देखा होता उसको तो वो डूब जाती, ठीक है। सीइंग दैट, यह देखकर, क्या देखकर, कि वो आंट डूब रही है, यह देखकर, सीइंग यानी देखना, तो यह देखकर, दैट कि द आंट वॉज इन ट्रबल, ट्रबल मीन्स परेशानी, इन यानी में वॉज यानी था, तो वह परेशानी में थी, ठीक है, वॉज यानी था या थी, तो वह परेशानी में थी, आंट यह देखकर, द डब क्विकली प्लग्ड अ लीफ, प्लग्ड, प्लग यानी होता है तोड़ना, जैसे पत्ते तोड़ते हैं, फूल तोड़ते हैं, फल तोड़ते हैं, ठीक है, तो प्लग तोड़ लिया, क्विकली यानी जल्दी से, तो उस डब ने, कबूतर ने जल्दी से एक लीफ यानी पत्ती को तोड़ लिया। एंड और ड्रॉप्ड यानी होता है गिराना, ये ड्रॉप का सेकंड फॉर्म है, ड्रॉप ऐसे होता है, फर्स्ट फॉर्म ये होता है, जब इसका सेकंड फॉर्म बनाते हैं, थर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो डबल पी कर देते हैं, डी आर ओ डबल पी ई डी, ओके, फिर लगाते हैं ई डी, तो ड्रॉप्ड बन जाता है। तो चूँकि सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, जब भी हम स्टोरी, पास्ट की स्टोरी अपन पढ़ते हैं या लिखते हैं, तो बर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ड्रॉप्ड, और वो गिरा दिया, इट यानी इसे, इनटू द वाटर, पानी में, इनटू यानी में, ठीक है, पानी में गिरा दिया। नियर द स्ट्रगलिंग आंट, नियर यानी पास में, ठीक है, किसके पास गिरा दिया, स्ट्रगलिंग आंट, स्ट्रगल करती हुई वो चींटी के पास उसने गिरा दिया, स्ट्रगल यानी संघर्ष, पसंद आ रही है, तो वो संघर्ष करती हुई, स्ट्रगलिंग लिखा है ना, तो संघर्ष करती हुई जो आंट थी, चींटी थी, उसके नियर, उसके पास उसने पानी में गिरा दिया पत्ती को, तो क्या हुआ, द आंट मूव्ड टुवर्ड्स द लीफ, आंट क्या करी, मूव यानी वो आगे बढ़ी,
किधर की ओर, टुवर्ड्स यानी की ओर, की ओर, वो उस पत्ती की ओर बढ़ी एंड क्लाइम्ड अप, क्लाइम्ड अप, क्लाइम्ड अप यानी होता है चढ़ जाना, वो चढ़ गई ऑन टू इट, ऑन टू मतलब उस पर, पत्ती पर वो चढ़ गई। सून, सून यानी जल्दी ही, द लीफ ड्रिफ्टेड टू ड्राई ग्राउंड, ड्राई यानी सूखा, ग्राउंड यानी जमीन, तो सूखी जमीन की तरफ वो पत्ती क्या हो गई, ड्रिफ्ट हो गई। ड्रिफ्ट यानी होता है कि धक्के खाकर इधर उधर से आगे बढ़ जाना, जैसे पानी की लहर बढ़ी, पानी की लहर से पत्ती में धक्का लगा तो वो करके, मतलब कि धक्का लगने से वो आगे बढ़ गई और सूखी जमीन कर उधर लाइन में लग गई, तो आंट क्या करी, उस पत्ती से उतर कर वो सूखी जमीन में पहुंच गई, इस तरह से उसकी जान बच जाती है, राइट। एंड द आंट जम्प्ड आउट, जम्प्ड आउट, और इस तरह से आंट ने जंप कर गई ड्राई ग्राउंड पर, सूखी जमीन पर। सी वॉज सेफ एट लास्ट, एट लास्ट यानी अंततः या अंत में वो क्या थी, सेफ थी, सेफ यानी सुरक्षित, राइट। तो इस तरह से देखिए उस चींटी की जान बच जाती है। अब देखिए वो इस मदद को किस तरह से, उस डव के इस मदद को, इस आभार को कैसे व्यक्त करती है, और वक्त आने पर उसकी भी वो हेल्प करती है, राइट। तो आइए इसको हम आगे देखते हैं फटाफट। जस्ट एट दैट टाइम, उसी समय पर, ठीक है, जस्ट एट दैट टाइम यानी उसी समय पर, उसी समय की बात है, एक हंटर, एक शिकारी नियर बाय यानी पास में ही, एक शिकारी था, वो जाने था, अबाउट टू थ्रो, अबाउट टू थ्रो यानी होता है डालने वाला था या फेंकने वाला था, थ्रो यानी फेंकना, अबाउट यानी जब आप अबाउट टू के साथ किसी वर्ब को जोड़ते हैं तो हो जाता है करने वाला था या करने जा रहा था, तो वो एक नेट यानी जाल, राइट, हिज नेट ओवर द डब, ओवर द डब यानी डब के ऊपर, अबाउट टू थ्रो, वो डालने वाला था हिज नेट, अपनी जाल, होपिंग टू ट्रैप इट, होपिंग टू ट्रैप इट, ट्रैप यानी होता है पकड़ना, ठीक है, तो उसे वो पकड़ने की आशा से, होपिंग यानी आशा करते हुए उसने जाल को उसके ऊपर फेंका। गेसिंग वॉट ही वॉज अबाउट टू डू, वो ये गेस करते हुए कि वो क्या करने वाला था, ही वॉज अबाउट टू डू, वह करने वाला था कौन, वो जो हंटर था, शिकारी, वो ये उसको डब को पकड़ने वाला था, ये जानकर आंट ने क्या किया, द आंट क्विकली बीट हिम ऑन द हील, ऑन द हील, हील यानी एड़ी, ठीक है, एड़ी, हील यानी एड़ी होता है, राइट। तो वो उसके एड़ी पर क्या कर ली, बीट, बीट क्या एक्चुअली बाइट का सेकंड फॉर्म है, राइट, आप जानते होंगे कि बाइट यानी होता है काटना, बी आई टी ई, बाइट, तो बाइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बीट होता है, राइट, उसका जो ई है वो हट जाता है, ये बन गया बीट सेकंड फॉर्म। तो वो काटी उसके हील पर, उसके एड़ी पर, क्विकली, क्विकली यानी जल्दी से काट ली, तो क्या होता है, फीलिंग द पेन, फीलिंग यानी महसूस करते हुए, करने पर महसूस, दर्द महसूस करने पर, पेन यानी दर्द महसूस करने पर, द हंटर ड्रॉप्ड हिज नेट, हंटर ने, शिकारी ने ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया हिज नेट, अपनी जाल को, द डव वॉज क्विक टू फ्लाई अबाउ, सॉरी, फ्लाई अवे टू सेफ्टी, द डव वॉज क्विक यानी वो उसको जल्दबाजी थी, उसको जल्दबाजी थी टू फ्लाई उड़ने की, अवे टू, अवे मीन्स दूर, टू सेफ्टी सुरक्षित होने के लिए, ठीक है, सुरक्षित बच निकलने के लिए उसको जल्दी से वो उड़ता है वहाँ से, राइट, और जान बचा के निकल जाता है। इस तरह से स्टोरी फिनिश हो गई। और हमने क्या सीखा, देखिए इसका जो मोरल है यानी जो इससे शिक्षा मिलती है वो ये मिलती है कि वन गुड टर्न, वन गुड टर्न यानी
आपका एक अच्छा व्यवहार है। यहाँ पर टर्न्स मतलब है कि आपकी बारी, यानी आपने जब अपनी बारी आई तो आपने एक अच्छा व्यवहार किया। तो बिगेट्स यानी होते हैं जन्म देना, बिगेट्स बिगेट्स अनदर, अनदर मीन्स दूसरा। तो आप एक अच्छा व्यवहार, ठीक है, एक अच्छे व्यवहार को जन्म देता है, राइट। इसका मतलब ये होता है कि जब आप अपने आपकी बारी आती है और आप एक अच्छा व्यवहार करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो उससे क्या है, एक अच्छा व्यवहार ही पनपता है, एक अच्छे व्यवहार की जन्म होती है और देन रिटर्न में आपको भी एक अच्छा व्यवहार ही प्राप्त होता है, राइट। तो यहाँ पर हमने बहुत ही आसान तरीके से स्टोरी के थ्रू इंग्लिश सीखने के साथ साथ, ठीक है, आपने एक अच्छा सा एक बहुत प्यारा मैसेज आने सीखा, राइट। आप अपने व्यूज, अपने दृष्टिकोण, अपने नज़रिए को, ठीक है, क्या आपको लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और मैं आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल इंग्लिश स्टोरीज लेके आता रहूँगा। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।